अगर आप भी कंफ्यूज रहते हैं चारकोल फेस मास्क को लेके, बहुत ही रिसर्च के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, क्योंकि मेरे भी मन में ये भ्रम था कि चारकोल जो होता है वो ऑयली स्किन के लिए होता है, ड्राई स्किन पे इसको लगाना मतलब अपनी स्किन को डैमेज करना है। बहुत सारे रिसर्च किए मैंने, बहुत सारी किताबें पढ़ी, गूगल आंटी को बहुत परेशान किया, तो मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ। किस नतीजे पे, चलिए वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत सारा स्वागत है आपका मेरे चैनल कुदरत केयर में, और मैं हूँ मोनिका। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चारकोल फेस मास्क से आखिर होता क्या है और क्या होता है ये, किस तरह से लगाना चाहिए, बेनिफिट्स क्या क्या है, सही तरीका क्या है, ऑयली स्किन है तो किस तरह से लगाना है, ड्राई स्किन अगर आपकी है तो क्या आप इसको लगा सकते हैं, निष्कर्ष पे मैं पहुंची हूँ। बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार वीडियो है ये, क्योंकि मैंने डर डर के लगाया, मुझे लग रहा था यार आप लोगों के चक्कर में कहीं मैं अपना फेस ना बिगाड़ूँ, लेकिन रिजल्ट मिले हैं। कैसे, कब, कितने, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मुझे इतना प्यार देते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से कर लीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे अच्छे अच्छे नए नए ऑन डिमांड वीडियो आप फटाफट से देख पाए। चलिए देख लेते हैं कि आखिर चारकोल जो होता है उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला फायदा है स्किन के लिए, ओवरऑल त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या आपने कभी ये सुना है कि हम अपनी स्किन को डिटॉक्स करते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करना? कुदरत केयर पे बहुत सुना होगा, इनफैक्ट कुदरत बेनिफिट पे भी मैं आपको हमेशा ये गाना सुनाती हूँ कि देखो अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो। बॉडी को डिटॉक्स करते हैं तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती है, लेकिन समय समय पे अपनी त्वचा को डिटॉक्स करना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो ये ओवरऑल हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा बेनिफिट इसका जो होता है वो ये है कि अगर आपको कोई जख्म हो गया है तो उसकी रिकवरी के लिए भी चारकोल अच्छा होता है, लेकिन आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसका इस्तेमाल करेंगे। तीसरा जो इसका बहुत ही बेहतरीन फायदा ये होता है कि ये हमारे अमाशय के लिए भी अच्छा होता है, अगेन डॉक्टर की सलाह से ही आप ये सारी चीजें इस्तेमाल करेंगे। चौथा फायदा है दांतों में अगर पीलापन है तब भी चारकोल बहुत अच्छा है। चारकोल से अपने पीले दांतों को कैसे साफ करें, अगर आपने ये वीडियो भी देखना है तो भी मैं आपके लिए ये वीडियो बना सकती हूँ दोस्तों। दांतों का पीलापन ज़्यादा कॉफ़ी पीने से, धूम्रपान करने से, ज़्यादा मदिरा सेवन करने से, यानी इस तरह की ज़्यादा चीज़ें खाने से, जैसे कॉफ़ी जो लोग ज़्यादा पीते हैं उनके भी दांत काले हो जाते हैं, समय समय पर दांतों की सफाई नहीं करते तब भी ये होता है। मैं टॉपिक से भटक गई हूँ, तो मैं बता रही थी कि भाई दांतों के लिए भी चारकोल बहुत अच्छा होता है। चलिए अब आ जाते हैं मुद्दे पे। आज इस वीडियो में आप देखने वाले हैं दो तरह के चारकोल फेस मास्क, एक ड्राई स्किन के लिए और दूसरा है ऑयली स्किन के लिए। लेकिन आपने वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखना है, सही इस्तेमाल का सही तरीका मैं ये भी बताने वाली हूं, तो ये वीडियो होने वाला है फुल इंफॉर्मेटिव। तो चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे अपना चारकोल फेस मास्क फॉर ड्राई स्किन। दोस्तों चारकोल ले लेना है आपने इस तरह से भर के एक चम्मच, उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे शहद। दोस्तों शहद हमारी स्किन को ड्राई नहीं होने देता है, चारकोल काम करेगा डेड स्किन निकालने के लिए, कोई भी फंगल इन्फेक्शन है उसको ठीक करने के लिए, काले दाग हो गए हैं उसके ऊपर जो ड्राई स्किन की लेयर हो जाती है उसको हटाने के लिए भी चारकोल बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस भी बताऊंगी कि पहली बार जब मैंने लगाया था मुझे कैसा लगा था, किस तरह से मैंने उसको इम्प्रूव किया, तो आपने जाना नहीं है कहीं। हनी मिक्स होने के बाद हमने इसमें मिलाना है कैस्टर ऑयल। अच्छा, कैस्टर ऑयल की जगह पे आप कोई भी और ऑयल मिला सकते हैं, बेझिझक बिंदास, कोई परेशानी नहीं है। कैस्टर ऑयल मैंने इसलिए मिलाया है क्योंकि मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, लेकिन जब आप इसमें कैस्टर ऑयल मिलाएंगे दोस्तों ये आपकी स्किन पे बैठ जाएगा, यानी चिपक जाएगा, वो एकदम ऐसी ऐसा चिपकू चिपकू सा हो जाता है, उसको निकालने का प्रोसीजर है मैं वो भी आपको बताऊँगी।
इसके बाद हमने इसको पतला कर लेना है एलोवेरा जेल से। दोस्तों एलोवेरा जेल आप कोई भी मिला सकते हैं। अब ये हमारा बन गया है ऑयली स्किन के। अच्छा जी, तो ड्राई स्किन का फेस पैक हो गया है, अब हम बना लेते हैं ऑयली स्किन के लिए। ऑयली स्किन वालों, एक चम्मच चारकोल पाउडर ले लो और उसमें आपने मिलाना है गर्म पानी में, या तो ग्रीन टी होना चाहिए, या गरम पानी में कॉफ़ी मिलाया हुआ होना चाहिए, या गरम पानी में विनेगर यानी सिरका जिसको हम बोलते हैं वो आप मिलाएं। लेकिन विनेगर मिलाते में ध्यान रखें कि वो एकदम प्लेन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक मिलाएंगे हम विटामिन ई कैप्सूल, सिर्फ एक मिलाना है, ज़्यादा नहीं मिलाना है। अगर आपके पास बॉटल है विटामिन ई की तो आप दो ड्रॉप ही मिलाइए। दो चम्मच बोल रही थी मैं भी ना, कन्फ्यूज ही हो जाती हूँ कभी कभी। एनीवे, तो दो ही ड्रॉप आपने मिलाने हैं दोस्तों। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये लगा लो ऑयली स्किन वालों, ले लो फेस पैक और मस्त मजे लो, बहुत रिजल्ट है। चलिए जी, अब मैं लगा लेती हूँ ड्राई स्किन वाला फेस पैक। सिंपल तरीके से आपने लगाना है, कोई धाम झाम नहीं है, पूरे चेहरे पे लगाइए। लेकिन ध्यान रखिए कि आपकी स्किन अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, आपने पहले वॉश किया होना चाहिए अपना स्किन को, तभी ये बेहतर फायदे देगा, चिपकेगा स्किन से। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि आपने ऑलिव ऑयल इसमें मिक्स किया है तो ये चिपक जाता है, तो आपने थोड़ा सा गीला करना है। उसके बाद कपड़ा लो, उसको क्लीन करो, फिर रोज़ वाटर या फिर अपना एलोवेरा जेल से मिक्स कर सकते हैं। और अगर फिर भी अगर ये क्लीन नहीं हो रहा है तो आप माइल्ड फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेझिझक, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि इतनी देर तक हमने ये लगा के रखा है, अच्छा कितनी देर तक लगा के रखना ये भी मुद्दे की बात है, कम से कम 7 से 10 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, उससे ज़्यादा ना लगाएं क्योंकि वो स्किन एकदम ऐसे हो जाती है, ड्राई हो जाती है और अंदर से सक करता है वो सारा डस्ट पोल्यूशन, तो आपको थोड़ा सा खिंचावट लगेगा। लेकिन मेरे हिसाब से 7 मिनट आइडियल टाइम है, उसके ज़्यादा आप लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। बाद में धोना आपने गुनगुने पानी से ही है, चाहे ड्राई स्किन है चाहे ऑयली स्किन वाला लगाया है आपने, ठीक है। कब कब लगाना है इसको? आपने लगाना है हफ्ते में एक ही बार। ज़्यादा अगर ऑयली स्किन है तो आप 2 बार लगा सकते हैं, ड्राई स्किन वालों सुन लो, एक ही बार लगाना है, ठीक है। मैं तो बोलती हूँ कि 10 दिन में एक बार लगाओ। मैं 10 दिन में एक बार लगा रही थी, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं, फ़ायदा हुआ है। शुरू में जब मैंने लगाया था मुझे तो लग रहा था कि ये उतरेगा ही नहीं फेस पे, इतना काला रह गया था, वो चिपक जाता है जैसे एकदम ऐसे काली लेयर जम जाती, तवे के नीचे काला ओपन आता है ना, जो लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं उनको पता होगा, तो वैसा हो गया था, ठीक है। बट एनीवे, निकला, साफ हुआ, ये देखिए मैंने चेहरा धो लिया, उसके बाद अच्छे से क्लीन भी होता है और काफ़ी फ्रेश फील होता है। तो आज मैंने एक भ्रम दूर कर दिया है कि बॉडी को जिस तरह से हम डिटॉक्स करते हैं, स्किन को भी डिटॉक्स करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। चारकोल फेस मास्क जो होता है वो सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं होता है, ड्राई स्किन वाले भी उसका इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। खुश हो जाओ, मुस्कुराते रहो यार, नई नई होम रेमेडीज लेके आ रही हूँ, शेयर करो अपने दोस्तों यारों और प्यारों के साथ ताकि व्यूज़ भी अच्छे आए और लाइक भी मिले, क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब जाते जाते भूलना नहीं है, लाइक का बटन प्रेस करना है, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो भी कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको ट्रिंग की घंटी बज जाए जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँ। इसके अलावा अगर आपने कोई और वीडियो देखना है तो बेझिझक पूछिए दोस्तों, मैं यहाँ हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए फिर, मैं आऊँगी ऐसे ही अच्छे से नए वीडियो के साथ, तब तक हैप्पी रहिए, बाय बाय।